अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज दी वीडियो जड़ी है अमृतपाल सिंह दे हवाले नाल है। फार्मर प्रोटेस्ट दे जड़े कोई स्पोक्स परसन ने राकेश टिकेट ते ओ किसे सहाफी नु सवालां दे जवाब दे रहे ने। मेरा ख्याल कोई शायद चुपदा होया सवाल पुछया होवे उहनां कोलों मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, एक व्यक्ति जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, एक व्यक्ति जिसके फादर ने इंदिरा गांधी को मारा था, ऐसे व्यक्ति सर चुनाव जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं ना, किताब देने में वहाँ के लोगों ने, आप उनको अलग थलग करोगे, आप उनकी विचारधारा को आप प्यार से बात भी तो कर सकते हो ना भाई। पूरे पंजाब को जब से यहाँ आपने मांग मांग रहे आगे, आप उनको आतंकवादी खालिस्तानी, पूरे सिख समाज को आप कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, ये कम्युनिटी को क्यों कह रहे हो आप, क्या उसको अलग थलग कर दोगे आप बिल्कुल? उनके चुनाव जीतने पे आप क्या देखते हो, आप इसको सारे में तो देश के साथ में जो आप देखते हो वो हम देखते हैं सर। मैं पूरे सिख कम्युनिटी की बात नहीं कर रही, मैं भी पंजाबी कम्युनिटी से आती हूँ, तो मैं अगर कल को कोई हमारी कम्युनिटी बोलेगा तो जाहिर सी बात है हम अपनी बात रखेंगे। मेरा सवाल सीधा और सटीक ये है कि दो ऐसे व्यक्ति जिन पे एक एनएसए वाला है ये जीत रहे हैं, इन्हें आप सही देखते हो या गलत देखते हो? और आप क्या देखते हैं? गलत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा गलत, हो जनता ने जीता है भैया, मतलब आप इस पे कोई सटीक जवाब देना सटीक है आप भाई, वो जीत के जनता ने भेजा है ना, जनता के साथ मैं जीत के, तो यही तो देश का संविधान और कानून है, यही तो इसीलिए तो देश लिबरल है हमारे साथ में, यहाँ पे जिसको वोट मिली वो जीत गया, वो जेल में बंद है तो जीत गया ना, तो आप उसके साथ में क्यों छेड़खानी कर रहे हो पंजाब के साथ में, ये देश के किसान के साथ में छेड़खानी है, वो भी किसान है, किसान का तो बगैर कुछ भी नहीं लगा। आप यहाँ से मुसलमान को भी बाहर नहीं भगा सकते कहीं, वो जाकर यही रहेगा, आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? ये देश संविधान में सबको राइट्स दिया गया है, सबको पूजा पद्धति करने का अपने राइट्स है सबको, आप वोट के बहाने किसी धार्मिक भावनाओं को आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, न ये देश किसी एक उससे चलेगा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बेवकूफ बना रहे, भगा दिया आपने, तस्वीर जा जाकर उन्हें बाहर कर दी, अरे उनको स्थान दो ना, सबको बराबर का स्थान दो। चलिए आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, क्यों दिया, मैं तो दिया आपके सवाल, मैंने तो बस इतना पूछा था सही है गलत, और आपने आप बताओ ना सही है कि गलत है भाई, वो जीतता है तो मेंबर पार्लियामेंट जीतता है, गलत हो ही नहीं सकता, जीतता है मेंबर पार्लियामेंट कैसे गलत हो जाएगा। अच्छा सर, इस अमृतपाल वाली बहस को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं, मतलब आप इस मैंडेट का समर्थन करते हो या फिर अमृतपाल वाली आइडियोलॉजी पर भी? मैं नहीं करता किसी का समर्थन करता, मैं किसी को करता, हमने ये कहा है कि वो जीतते है ना जी भाई, पूरा देश उस पर लगा रहा पिछले 13 महीने से कि सिख समाज ये है, सिख समाज ये है, तो जिता दिया ना उन्होंने, तो ना छेड़खानी करो किसी के धार्मिक उस पे, आप ज्यादा छेड़खानी मत करो किसी पे, ये देश ऋषि और कृषि पद्धति पे देश चलता है, आप यहाँ पे कृषि पद्धति के साथ में छेड़खानी करोगे तो यहाँ पे मूवमेंट होंगे, आप उसके साथ में छेड़खानी कर ही नहीं सकते, 80% लोग उस पर निर्भर है, आप धार्मिक भावनाओं को किसी को ठेस पहुंचाओगे तो भी यहाँ पे हलचल पैदा होगी, अकेला ये नहीं कि आप मंदिर मंदिर पे करोगे, आप गुरुद्वारे पे करोगे तो होगा, आप मस्जिद पे करोगे तो यहाँ पे होगा, क्योंकि सबकी धार्मिक भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते। जवाब लेना किसी को
ते सारफी ने पूरी पूरी कोशिश की थी है कि मैं मतलब अपने हिसाब का जवाब ले ला, लेकिन अगर भी सियाना बंदा बैठा सी उन्हें भी मतलब अपने हिसाब का जवाब दिता है। असल विच अगर अमृतपाल इलेक्शन जीते ने तो उहदे विच उन्हां दा की कसूर है, भी आवाम ने उन्हां नूं इलैक्ट करके भेजा है ते इहदे विच उन्हां दा तो कसूर नहीं। नाल दूसरा कह रहे सी कि इंदिरा गांधी के कातल जिहड़े ने उह इलैक्शन जीते ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵੋਟ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਮਤਲਬ ਨੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ।